पीएम पोषण इस योजना को शुरू किया जाएगा। बच्चों के पोषण व स्वास्थ्य में सुधार भी होगा। राष्ट्रीय पोषण मिशन को भी ये अभियान सशक्त करेगा। मोदी सरकार ने दशकों पुरानी और बहुचर्चित मिड डे मील योजना का नाम बदल दिया है। सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में मिलने वाला मिड डे मील अब पीएम पोषण योजना के नाम से बांटा जाएगा और इसमें प्री स्कूल से लेकर प्राइमरी स्कूल के स्तर के विद्यार्थियों को कवर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। हालांकि इस योजना पर अपने प्रस्ताव में सरकार ने कुछ बदलाव भी किए हैं। आपको बता दें कि इस योजना के तहत देश के करीब 11.20 लाख सरकारी और सह सरकारी स्कूलों में चलने वाली मिड डे मील योजना का रूप बदला गया है। सरकार का कहना है कि इस योजना के अंतर्गत करीब 11.80 करोड़ बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि इस बार इस योजना में तिथि भोजन को भी शामिल किया गया है, जिसके तहत सामुदायिक तौर पर भी लोगों को बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था करने दी जाएगी। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि फिलहाल ये योजना 2026 तक रखी गई है। निर्धन परिवारों से आने वाले बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं उनके लिए पीएम पोषण इस योजना को शुरू किया जाएगा। ये नाम दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, और इस योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों में जाने वाले विद्यार्थियों को या गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो उसके विद्यार्थियों को भी ऐसे 11,20,000 से ज्यादा स्कूलों के करोड़ों विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन भी मिलेगा और 5 वर्ष तक चलने वाली पीएम पोषण में 1,31,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। अगले 5 साल में इस योजना पर 1.30 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। नई योजना का फोकस पोषण युक्त भोजन पर रहेगा। सरकार के मुताबिक नए स्कीम का फायदा 11.20 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा। और देश भर में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़े उसका भी एक लाभ मिलेगा। बच्चों के पोषण व स्वास्थ्य में सुधार भी होगा और शिक्षा में सोशल और जेंडर गैप में भी समाप्त करने में मदद मिलेगी। वहीं सरकार की इस योजना का विपक्ष ने खूब विरोध किया है। विपक्ष का आरोप है कि सिर्फ पुरानी स्कीम का नाम बदला गया और उसे पूरी तरह से निजी हाथों में सौंपने की कोशिश की गई है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा का कहना है कि सरकार को मिड डे मील का नाम बदलने की जगह सीधा कहना चाहिए कि अडानी सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को टेक ओवर कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मसले पर ट्वीट किया। मनीष सिसोदिया ने लिखा कि मिड डे मील स्कीम का नाम बदलकर पीएम पोषण कर दिया गया है। नाम बदलने से यह कैसे सुनिश्चित होगा कि उत्तर प्रदेश में पीएम पोषण के नाम पर भी बच्चों को केवल नमक तेल रोटी नहीं परोसी जाएगी, और अगर किसी जमीनी पत्रकार ने मामला उठाया तो उसे 6 महीने जेल में नहीं काटने पड़ेंगे। वहीं विपक्ष से इतर केंद्र सरकार के मंत्रियों बीजेपी के नेताओं ने इस नई स्कीम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया किया है। गौरतलब है कि मिड डे मील योजना का शुभारंभ साल 1995 में किया गया था, जिसका उद्देश्य देश भर में प्राथमिक स्कूलों में बच्चों में पोषण के स्तर पर सुधार करना और दिन में कम से कम एक बार बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है, जो बाद में चलकर स्कूलों में बच्चों के एडमिशन में सुधार करने में सहायक बन गई। स्पेशल डेस्क, जनहित टाइम्स।